इंदौर में कांग्रेस से सभी 9 उम्मीदवार मैदान में। दूसरी सूची में पिंटू जोशी, सत्यनारायण पटेल और रामकिशोर शुक्ला को टिकट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने गुरुवार देर रात जारी दूसरी लिस्ट में 88 उम्मीदवार घोषित किए। पार्टी ने इससे पहले अपनी पहली लिस्ट में 144 उम्मीदवार घोषित किए थे। दूसरी सूची में अनुभवी नेताओं के साथ ही युवा चेहरों को भी मौका दिया गया है। इस सूची में इंदौर के बचे हुए 3 टिकट घोषित हुए हैं, जिसमें 2 टिकट इंदौर 3 और मऊ ब्राह्मण को, तो वहीं इंदौर 5 से ओबीसी को टिकट दिया गया है। देर रात टिकट की घोषणा होने के बाद 3 उम्मीदवारों के समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की और जश्न मनाया। इंदौर 3 से टिकट मिलने पर दीपक पिंटू जोशी का कहना है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का राहुल गांधी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का आभार और धन्यवाद देता हूं। 20 साल से सड़क पर कांग्रेस के लिए काम कर रहा था, उसका फल कांग्रेस पार्टी ने मुझे दिया है। पार्टी के इस विश्वास पर खरा उतरूंगा और चुनाव जीतूंगा। इंदौर 5 से टिकट मिलने के बाद सत्यनारायण पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा किया है, उस पर खरा उतरूंगा। इंदौर 5 की जनता मुझे सर्वाधिक मतों से विजयी बनाएगी। मऊ से टिकट मिलने पर रामकिशोर शुक्ला का कहना है कि पार्टी ने जो विश्वास दिखाया है उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।